Okay, sir. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and let's start the class. And इसमें हमारे पास today's topic is about the Amazon S3. S3 जैसे कि यहाँ पे इस वक्त जाहिर है नाम से है कि सिंपल स्टोरेज सर्विस इज देयरफॉर दे आर द ट्रिपल एस सो देयरफॉर दे कॉल्ड इट Amazon S3 ट्रिपल एस ओके सो दिस इज वन ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन लाइक स्टाइल ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन व्हिच AWS हैज अडॉप्टेड लाइक EC2 दैट इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग देयर आर द टू सी इन इट सो देयरफॉर कॉल्ड इट EC2 So similar sort of the naming convention they adopted here that the S3, naming the 3S is there. So simple storage service for the internet, you can use S3 to store and retrieve the amount of data at any time from anywhere on the web. You can accomplish these tasks by using AWS Management Console and the simple and the intuitive web interface. Okay. So this is the S3 web page and S3 is just like and aap usko yun consider kar sakte hain ke like the your cloud bucket okay data drive in your cloud and jahan par aap apna data store kar sakte hain aur usko different purposes ke andar use kar sakte hain right so this is what the S3 is so S3 provides developers and IT team to secure durably highly scalable object storage and Amazon S3 is easy to use and simple web interface or this is the important thing to remember about it S3 is easy to store your files it is object based storage right this is very important line this it is an object based storage right what is object based storage let's try to understand this thing So there are the two kind of these storages in the computer world. One is called the object-based storage, other is called the block-based storage. Object-based storage, जैसे कि आपने normal computer के world के अंदर आपने देखा होगा कि अक्सर network files होती हैं, वो attached होती हैं आपके computer से. यानी कि actual में वो folder जो होता है, वो होता है, वो कहीं और होता है किसी और server पे. लेकिन आपने अपने पास उसको map कराया होता है, drive map कराई होती है. और उसके अंदर आप कोई ना कोई फाइल्स एंड फोल्डर स्टोर कर सकते हैं ऐसा होता है ना सर अक्सर आपके पास NAS ड्राइव्स होती है नेटवर्क अटैच स्टोरेज ड्राइव्स बनती हैं तो दीज ऑल आर दी ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज लेकिन अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो क्या आप उस मैप ड्राइव के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते ठीक है हमेशा आप ड्राइव उस फोल्डर में इंस्टॉल करते हैं जो कि आपके लोकल कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो ठीक है तो दिस इज कॉल्ड दी ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज क्या होता है कि कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव होती है वो मल्टीपल ट्रैक्स एंड सेक्टर्स के अंदर यानी कि ब्लॉक्स में डिवाइड हुई होती है राइट और उन ब्लॉक्स के अंदर जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो उन ट्रैक एंड सेक्टर्स की रेफरेंसेस की बेस के ऊपर वो सॉफ्टवेयर में जो है इंस्टॉल हो रहा होता है और उसकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो फाइल एलोकेशन टेबल में जा रही है मे बी आई एम टॉकिंग टू मच टेक्निकल एंड इन डिटेल लेकिन ये बहरहाल चीजें आप लोगों ने सब ने कभी ना कभी पढ़ी होंगी ठीक है तो इट माइट रिमाइंड यू सो जो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज होता है अगर मैं इसको इन सिंपल वर्ड सिंप्लीफाई कर दूं तो ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज वो हार्ड ड्राइव होती है जो कि आपके अपने कंप्यूटर में लगी हुई होती है और उसके ब्लॉक्स उसकी जो ऊपर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं कोई डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हैं कोई और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे MS Office वगैरह और ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज होता है जो कि आपके कंप्यूटर में ड्राइव नहीं लगी हुई होती बल्कि कहीं और लगी हुई होती है और आपके ड्राइव पे मैप हो रही होती है और उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रिमोटली फाइल या फोल्डर सेव कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं सेव कर सकते हैं कोई चीज इंस्टॉल नहीं कर सकते इज दिस क्लियर ठीक है कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस पे सो याद रखने की बात है कि S3 जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज है ठीक है उसमें आप यू कैन नॉट इंस्टॉल एनीथिंग ऑन यू जस्ट कीप योर फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन इट राइट कोई क्वेश्चन हो तो यू में आस्क सो S3 इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज अलाउज यू टू अपलोड फाइल्स फाइल्स कैन बी फ्रॉम 0 byte to 5 terabyte ठीक है देयर इज अनलिमिटेड स्टोरेज आपके पास कोई लिमिट नहीं है आपको चार्ज होगा एज पर द फाइल्स स्टोरेज जितनी आप स्टोरेज करेंगे उतना आपको चार्ज होता रहेगा तो पे एज यू गो का मॉडल है जितना आप यूज करेंगे उतना आपको चार्ज होगा वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम ये तो हम पढ़ेंगे कि आपको चार्ज किस तरह से होगा और कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं कॉस्ट वाइज डिफरेंट के कौन सा
लेस ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सा जो है ना वो लेस एक्सपेंसिव है, या कॉस्टिंग के क्या तरीके होते हैं. लेकिन कॉस्टिंग कभी नहीं पढ़ेंगे, ना आपके एग्जाम का पार्ट है. यू गॉट माई पॉइंट सर? तो आपके पास डिफरेंट जो है ना, जैसे इसके S3 के जो है ना रेट्स हैं, अब वो क्या रेट हैं, कितने पैसे चार्ज होंगे, ये सब हमारे ना एग्जाम का पार्ट है और ना ये हमसे पूछा जाएगा और ना ये हमें पढ़ना है. क्योंकि रीजन टू रीजन कॉस्टिंग चेंज हो रही होती है, नंबर वन, और अमेजोन कैन चेंज द कॉस्ट एनी टाइम एज वेल. सो कॉस्ट एज सच के वो उसके क्या प्राइस है वो कभी हम डिस्कस नहीं करेंगे और हमारे उसके बाउंड्री से भी बाहर है. हाँ, ये जरूर देखेंगे कि वो चार्ज कैसे होता है. जैसे इट विल बी गेट चार्ज यू ऑन दी स्टोरेज, कि जितना आप स्टोरेज यूज करते जाएंगे उतना चार्ज. गॉट इट? S3 इज अ यूनिवर्सल नेम स्पेस. दिस इज अ नेम कॉल्ड यूनिकली ग्लोबल. यानी कि होता क्या है कि ये एक यूनिक URL बनता है. जैसे मिसाल के तौर पे अगर यूरोप वेस्ट 1 के अंदर अगर आपने एक S3 बकेट बनाई है, तो उसका URL कुछ ऐसा होगा कि S3- रीजन का नेम के साथ पे .amazon.amazonaws.com पे / जो भी आपने बकेट का नाम दिया होगा आपने, ठीक है, उस तरह से आएगा. अभी हम इसको प्रैक्टिकली विटनेस करते हैं उस चीज को. When you upload file to S3, you will receive an HTTP 200 codes very successful. ये जब प्रोग्रामेटिकली, अगर एक तो कोड है जो कि आप खुद से अपलोड करते हैं और एक कोड है जो कि आपके पास कोई प्रोग्रामेटिकली कोई आपका सॉफ्टवेयर PHP या कोई चीज़ उसके थ्रू अपलोड करा रहे हैं, तो फिर हाउ डू यू गेट कन्फर्मेशन कि योर फाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड? तो उसकी जो कन्फर्मेशन होती है उसका आपको मिलता है HTTP 200 कोड. तो फिर उससे जो है ना वो आपको पता चलता है कि सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास S3 का URL बनता है, S3 region AWS and URL unique name, and this name should be unique. मतलब अगर किसी और ने वो occupy किया हुआ है तो वो name आपको दोबारा नहीं मिले, वो नहीं मिल सकता आपको उस region के अंदर, ठीक है. Data consistency model क्या होता है इसके अंदर, कि S3 जो है वो आपको multiple locations के ऊपर save हो रहा होता है. मल्टीपल लोकेशन से मतलब ये है कि आपका अगर जो भी आपने S3 बकेट बनाई है वो किसी एक रीजन में बनाइए, तो उसके किसी एक डेटा सेंटर में बनाइए, तो वहीं से फिर वो रेप्लिकेट होगी कि दूसरे उसी रीजन के दूसरे डेटा सेंटर्स में भी अवेलेबिलिटी जोन में, ताकि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो डेटा सेंटर पूरा अनअवेलेबल हो जाता है, डाउन हो जाता है, सो यू बी एबल टू एक्सेस दी अदर डेटा, योर डेटा फ्रॉम दी अदर डेटा सेंटर्स, ठीक है ना. तो इस तरह से वो मल्टीपल जगहों पे उसकी वो चल रही होती है, रेप्लिकेशन चल रही होती है. उसकी वजह से एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है जिसको उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, कि जब आप न्यू ऑब्जेक्ट डालते हैं, मतलब अभी आपने बिल्कुल न्यू ऑब्जेक्ट जो है ना वो पुट अप किया है ऑन द बकेट, तो क्या होगा कि रीड आफ्टर राइट कंसिस्टेंसी फॉर पुट्स एक ऑपरेशन है. पुट्स का मतलब न्यू ऑब्जेक्ट अपलोड करना. तो पुट्स ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट्स, जब आपने न्यू ऑब्जेक्ट डालेंगे तो जैसे ही आप डालेंगे वैसे ही आपको जो है ना वो यू कैन रीड इट एंड यू और एनीवन कैन रीड इट. जैसे मैंने अगर यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट डाला जस्ट आफ्टर राइटिंग अपलोडिंग द न्यू ऑब्जेक्ट, यू कैन और एनीवन ऑफ योर यूजर्स कैन रीड दिस ऑब्जेक्ट, राइट. Eventual consistency for override puts and delete can take some time to propagate. अब इसके अंदर क्या है कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट जो पहले से डाल दिया उसको मैंने डिलीट किया है या मैंने उसके अंदर कुछ एडिशन किया है, मतलब ओवरराइड किया उसके ऊपर, तो eventually consistent, it may take some time to get updated on the slide. क्यों ऐसा है? क्योंकि देर मे बी द डिफरेंट रीजन जिनमें वो अपलोड हो. तो अगर मैंने जो अपडेट किया है वो इस रीजन में अपडेट हुआ है, लेकिन यहाँ हो सकता है चंद सेकंड या एक आध दो मिनट वो ले सिंक होते हुए, तो और जो आपको आप जाके जो लिंक हो रहे होंगे वो पता नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट है, हमें तो नहीं पता कि आप जाके कौन से रीजन से डाउनलोड कर रहे हैं. तो आप पता चला यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, मैंने जो अपलोड किया वो यहाँ अपलोड हुआ है, तो मे बी द यूजर्स मे गेट डिले सम सेकंड्स का या एक आध दो मिनट का, ठीक है. तो इट मे हैपेंस, ठीक है. क्लियर है? इसके अंदर कोई क्वेश्चन तो नहीं है? So this is a good exam question as well, के the new objects के लिए वो read after write consistency और eventual consistency for overwrite and delete, ठीक है. So ये मैंने थोड़ा description लिख भी दिया, when upload a new file available immediately after upload, but to upload or delete existing file may take some time to upload and availability zone, ठीक है.
अच्छा, S3 क्या होता है कि उसकी जो डेटा स्टोर जो अपने पास रखता है वो इट्स अ की वैल्यू स्टोर होता है, मतलब उसके अंदर उसकी ऑब्जेक्ट की होती है, उसकी वैल्यू होती है, उसका वर्जन आईडी होती है, मेटा डेटा एंड ऑल दीस थिंग्स, उसकी इंफॉर्मेशन इस तरह से सेव हो रही होती है। फर्दर हम पता करते हैं S3 के मुताबिक, तो बिल्ट फॉर दी 99.99% अवेलेबिलिटी, ये इसकी अवेलेबिलिटी गारंटी करता है AWS आपको 99.9%, Amazon गारंटी 99.9%, लेकिन 99.99% के ऊपर ये बनाया गया है, लेकिन 99.9% का SLA आपसे साइन है। एक और चीज है, Amazon गारंटीज 99.99999, these are the 11 nines, तो इसलिए इसको याद रखिएगा 99.119% ड्यूरेबिलिटी। तो ये भी एक अच्छा एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन होता है बाज़ औक़ात के 99.59 कर दिया, 10.9 कर दिया, 15.9 कर दिया, तो 99.119% ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मीन्स कि आपका ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, इट विल बी 100% ड्यूरेबल, और उसको जो है ना वो सिक्योर एंड साउंड है हमारे पास, ठीक है। टीयर्ड स्टोरेज है, टीयर्ड स्टोरेज से मतलब क्या होता है वो अभी हम थोड़ा, इसके अंदर मल्टीपल टीयर्स अवेलेबल है, उन टीयर्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, उसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट ये होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की कि आप डेटा पुट किए जा रहे हैं तो इट मे बी फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर पे डिलीट हो जाए, ऑटोमेटिकली बैकअप हो जाए, ऑल दिस इज द लाइफ साइकिल। वर्जनिंग सपोर्ट कर सकते हैं, वर्जनिंग ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट मैंने आज डाला, कल दूसरा उसको अपडेटेड डॉक्यूमेंट डाला, फिर परसों तीसरा ऑब्जेक्ट अपडेटेड डॉक्यूमेंट उसको मैंने डाला तो अपडेट किया, तो वो तीनों वर्जन जो है वो अपने पास सेव करके रखा, दिस इज कॉल्ड वर्जनिंग। तो वर्जनिंग भी सपोर्ट करता है, इंक्रिप्शन भी सपोर्ट करता है, ठीक है, और बकेट पॉलिसीज वगैरह भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आई सेड इट इज अ टीयर्ड स्टोरेज, तो टीयर्ड स्टोरेज का मतलब यह है कि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल टीयर्स अवेलेबल होते हैं। तो व्हेन वी से S3, तो S3 जब भी हम कहेंगे S3, तो S3 का मतलब होता है S3 स्टैंडर्ड, राइट। तो S3 स्टैंडर्ड का मतलब यह है कि ये 99.99% अवेलेबिलिटी आपको गारंटी करता है, 99.119% ड्यूरेबिलिटी, stored redundantly across multiple devices in multiple facilities and is designed to sustain loss of two facilities concurrently. इसका मतलब ये हुआ कि ये multiple data centers के ऊपर है, और कम से कम ये 3 data centers के ऊपर है, कम से कम, क्योंकि इसने कहा कि कम से कम 2 facilities भी अगर down हो जाएंगी तो ये तब भी आपके पास available होगा। तो minimum 3 data centers में आपके जो files and folders होंगी उनकी copies जमा हो रही होंगी वहाँ पे, राइट। एंड इट इज दी एक्सपेंसिव वन, मतलब जो अगर इसके चार्जेस जो होंगे बनिस्बत बाकी सबके ज्यादा होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास S3IA, S3 इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड। अब समटाइम वी हैव सम डेटा जो के इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो हमें ऑन अ डेली लाइफ यूज में नहीं होता हमारे, या फिर उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कुछ ऐसा डेटा है जो कि अभी आपने रिसेंटली जनरेट हुआ है तो उसकी यूजिबिलिटी ज़्यादा होती है, और अगर वो कुछ अरसा गुजर जाता है, उसकी लाइफ गुजर जाती है, तो फिर उसकी यूजिबिलिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको सोशल मीडिया की एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पे अगर आज आपने कोई पोस्ट अपलोड की है तो वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही होगी, कोई आपने अपनी न्यू आपने पिक्चर अपलोड की है तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा देखी जा रही होगी, एम आई राइट, ऐसा ही है ना, तो वो सबसे ज्यादा देखी जा रही होती है। लेकिन क्या होता है कि आपकी एक महीने पुरानी जो आपने तस्वीरें अपलोड की थी वो कम देखी जा रही होती है, लोग उसको कम देख रहे होते हैं, और 6 महीने पुरानी वाली को और कम देख रहे होते हैं, साल भर पुरानी वाली को और कम है। तो वो डेटा वो होता है जो कि आपके होता तो इम्पोर्टेंट है लेकिन वो इनफ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्या होती है, जैसे बहुत सारी एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे लॉग्स फाइल्स होती है कंप्यूटर में, जनरेटेड लॉग्स फाइल्स या चीजें होती हैं, तो ये चीजें जो है वो उसको इनफ्रीक्वेंट, तो ऐसा डेटा जो है फॉर दैट द डेटा दैट एक्सेस लेस फ्रीक्वेंटली बट रिक्वायर्स रैपिड एक्सेस व्हेन नीडेड लोअर फीस इज S3 बट यू आर चार्ज फॉर रिट्रीवल फी। इसमें क्या होता है कि ये इससे तो थोड़ा सा कम पैसों में होता है, मिल जाता है, और लेकिन जब कभी भी आप उसको एक्सेस करेंगे तो उसकी रिट्रीवल फी भी चार्ज होगी। यहाँ पर रिट्रीवल फी कोई नहीं है, यानी कि जितना डेटा आप टू एंड फ्रो मूव करेंगे उतना थोड़ा सा पैसे चार्ज हो जाएंगे उसके ऊपर, अदरवाइज अगर वो एक्सेस नहीं होगा तो फिर वो उसके पैसे कम चार्ज होंगे, ठीक है। S3 वन जोन आई ए, S3 वन जोन आई ए भी S3 IA की तरह से ही है,
उसके अंदर भी रिट्रीवल वो, लेकिन इससे भी सस्ता है, लेकिन इसके अंदर भी रिट्रीवल फी चार्ज होती है। लेकिन एक चीज़ और है कि ये कंकरेंट 3 फैसिलिटीज़ पर अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ एक ही फैसिलिटी पर अवेलेबल है। और अगर वो एक ही फैसिलिटी की ड्यू टू सम रीज़न अगर नहीं होती तो फिर वो आपके पास वो डेटा अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इंश्योर्ड है कि ड्यूरेबिलिटी आपकी रहेगी, डेटा आपको कहीं नहीं जाएगा। मे बी ड्यू टू सम रीज़न वो डेटा इनएक्सेसिबल हो जाए किसी रीज़न की तहत, ठीक है, गॉट इट सर, कोई इशू तो नहीं है। सो लास्ट है जो कि ग्लेशियर जो होता है वो S3 तो नहीं होता, लेकिन वो आता है S3 के ही चैप्टर के अंदर साथ में आ जाता है। ये एक समझ लें कि आर्काइवल स्टोरेज है। आर्काइवल स्टोरेज क्या है कि जब आपके पास डेटा को आर्काइव करना होता है तो यूजुअली आप ट्रेडिशनली क्या करते थे, आप टेप ड्राइव्स बनाते थे, तो टेप ड्राइव्स बना के आप उसको सिक्योर कर लेते थे कहीं। तो ग्लेशियर इज द आर्काइव, ठीक है, ये सबसे कम चार्ज होता है। लेकिन जब कभी आपको अपना डेटा रिक्वायर्ड होगा तो कम से कम 3 से 5 घंटे लगेंगे आपको डेटा का एक्सेस मिलते मिलते, क्योंकि आर्काइव डेटा इमीडिएटली तो एक्सेसिबल नहीं होता, वो तो कहीं टेप ड्राइव्स के अंदर रखा हुआ है, वो आएगा लगेगा फिर चेंज होगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो दिस इज द टीयर्ड क्लास, टीयर्स ऑफ योर क्लासेस, जो उसकी जो है एक समरी दे दी है यहाँ पे इन्होंने, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और तो इस तरह से S3 जो चार्ज होता है वो स्टोरेज के ऊपर, रिक्वेस्ट के ऊपर और मैनेजमेंट प्राइसेस वगैरह इसके ऊपर जो है वो चार्जिंग हो रही होती है उसकी, ठीक है ना। समटाइम्स क्या होता है कि S3 जो है वो एक्सेलरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। एक्सेलरेशन क्या होती है कि आपने जो बकेट है वो आपकी बनी हुई है, सपोज करें कि यूरोप में बनी हुई है, और यूरोप में आपने बनी हुई है तो अब आपके जो यूज़र्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, वो US में भी हैं, वो और भी दूसरी जगहों पर भी हैं। तो अब जो लोग आपके यूरोप में, जो कस्टमर्स आपके यूरोप में होंगे वो तो दे माइट एबल टू एक्सेस इट विद अ स्पीड एंड फास्ट एक्सेस कर सकते हैं उसको, लेकिन जो US में होंगे या जो सिडनी में होंगे, तो ऑस्ट्रेलिया में होंगे, तो वहाँ पर वो लोग थोड़ा सा एक्सेसिबिलिटी थोड़ा मुश्किल होगी। तो उसके लिए हमारे पास एक अलग टेक्नोलॉजी एक AWS की जो हम पढ़ेंगे बाद में, क्लाउड फ्रंट के नाम से, तो हम क्लाउड फ्रंट को यूज़ कर सकते हैं S3 के साथ। तो उसमें क्या होता है, फास्ट ट्रांसफ़र एक्सेलरेशन जो है वो आपको मिल जाती है इस तरह से। उसमें क्या होता है कि आपके S3 की कॉपीज़ जो है ना मुख्तलिफ जगहों पर बन जाती हैं, जब यूज़र उसको एक्सेस करता है तो उसको लोकल एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है उसकी, ठीक है, और वो वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि लोकल एक्सेसिबिलिटी क्लाउड फ्रंट के थ्रू मिल जाती है उसकी। इसके डेफिनेटली एडिशनल चार्जेस हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनल वर्ड्स हैं बिफोर आई एम मूविंग टुवर्ड्स द कंसोल फॉर द डेमोंस्ट्रेशन, के रिमेंबर दैट द S3 ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज एंड टू अलाउ द अपलोड फाइल्स कैन बी फ्रॉम 0 to 5 TB, there is unlimited storage, files are stored in buckets, S3 is universal name space, uske upar the must be unique globally, aur is tarah se uska naam hota hai url ka, read after write consistency or eventually consistent after write, and there are the different classes, jaise ki S3 ho gayi, S3 IE, S3 one zone IE and glacier, theek hai, aur inme kya fark hai wo unhone thoda sa summarize karke yahan pe likh diya, theek hai, aur की वैल्यू पेयर के ऊपर इसका डेटा स्टोर होता है, और नॉट सूटेबल टू इंस्टॉल एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू दी वर्जनिंग के ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा हम जरा अपने कंसोल पे आ जाते हैं। Just one minute, मैं cell phone लिया हूँ, 2-factor enable है, ठीक है। मेरा cell phone दे ना। नहीं, इस रात बर्रा शुफ।